अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल तरब खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं अपने घर वालों के लिए बना रही थी वाइट बोनलेस हांडी, तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी मैं आप लोगों के लिए भी रिकॉर्ड करूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। देखें, यूट्यूब भरा पड़ा है बोनलेस हांडी की रेसिपीज से, लेकिन देखें रेसिपी वही अच्छी लगती है, एक तो जो खाने में भी अच्छी हो, दिखने में भी अच्छी लगे और सबसे ज़्यादा बनाने में ईजी हो। तो मैं आपके साथ बिल्कुल आसान सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आपके घर में इंग्रेडिएंट्स होंगे, उन्हीं से आप ये झटपट वाइट हांडी बना सकते हैं। सबसे पहले आपने ले लेना है चिकन बोनलेस। ख्याल ये रखना है कि आपने जो बोनलेस का पीस करवाना है ना, वो बिल्कुल छोटा छोटा करवाना है, ठीक है, ताकि हमें उसको गलाने में किसी किस्म की कोई दिक्कत ना पेश आए। अच्छा, यहाँ पर तकरीबन ये 1.5 kg मेरे पास बोनलेस है और मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। साथ ही मैंने इसमें बाउल वाले 4 चम्मच दही भर भर के वो डाल दिया है। अच्छा, दही का ये है कि अगर आप मिल्क पैक, वो जो पैकेट में दही होता है ना मिल्क पैक का, अगर आप वो ले लेंगे ना तो उससे ये हांडी बहुत अच्छी बनेगी। लेकिन अगर आप खुला दही यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, नो इशूज़। इसमें आप सॉल्ट ऐड कर लेंगे हसबे जायका, साथ में आप काली मिर्च ऐड कर देंगे हसबे जायका, क्योंकि किसी को तेज़ पसंद होता है, किसी को हल्का पसंद होता है। तो हमेशा मैं यही कहती हूँ कि आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ ऐड कर ली हैं और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पहले मैं सोच रही थी स्पून के साथ मिक्स कर लूँ क्योंकि आप लोगों को बुरा ना लगे, लेकिन स्पून के साथ मिक्सिंग उतनी अच्छी नहीं होती। सो मैंने अपने हाथ पहले हैंड वॉश से अच्छी तरह से क्लीन कर लिए हैं और अब मैं इसको कर रही हूँ मिक्स। बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको तू बता जरा। साथ साथ मिक्स भी कर रही थी, मैंने सोचा साथ साथ आपको थोड़ा सा अपना गाना भी सुना दूं, क्योंकि काम करते हुए मैं हल्का फुल्का ज़रूरी गुनगुनाती हूँ। चलिए अब हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए मिक्स करके फ्रिज में रख देंगे। जितना अच्छा आप टाइम देंगे ना चिकन को मैरिनेशन के लिए, उतना ही मज़ेदार आपकी बोनलेस हांडी बनेगी। यहाँ पर मैंने 3 घंटे के लिए चिकन को रखा था फ्रिज में और अब मैंने अपनी चमचमाती हुई सोनेक्स की वॉक निकाल ली है। इसकी प्राइस, इसका साइज़, इसकी हर चीज़ मैंने अपने ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर की थी। जिन लोगों ने नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पर तकरीबन मैंने 2 जो हांडी वाले चम्मच होते हैं ऑयल के, वो ऐड कर दिए हैं। साथ में 2 अदद प्याज जो कि मैंने ग्राइंड करके यहाँ पर रख ली थी। थोड़ा सा जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो ये मैं प्याज ऑयल में डाल दूंगी। सिर्फ 2 मिनट के लिए इस प्याज को हम इस ऑयल में फ्राई करेंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब भी मैंने कोई नई चीज़ ट्राई करनी होती है ना और उसकी रेसिपी जब मैं यूट्यूब से उठाती हूँ, तो मैं सबसे ज़्यादा वो रेसिपी पिक करती हूँ जो बनाने में आसान हो, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि मैं पूरा दिन कुकिंग पर ही लगा दूँ। मेरी कोशिश होती है जो सबसे ईजीएस्ट रेसिपी हो ना वो मैं पिक करूँ और उसी से मैं खाना बनाऊँ। एनी हाउ, यहाँ पर अब मैंने अपनी वॉक को ढक दिया है। 5 मिनट के लिए हम वॉक को इसी तरह से कवर करके रखेंगे। 5 मिनट्स के बाद अब मैंने वॉक की जो लिड है वो हटा दी है। ये देखें, यहाँ पर प्याज हमारी अच्छी तरह से भुन चुकी है। छुड़ 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 की भी आवाज़ें आपको आ रही होंगी। नैनो वाले ने चेला मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। नैनो वाले ने, आहा, नैनो वाले ने, नैनो वाले ने। नैनो वाले को भी ज़रा यहीं पर रोक देते हैं, अदरक ऐड कर लेते हैं, ऐसा ना हो कि प्याज जलनी शुरू हो जाए। 3 चम्मच अदरक है, ये मैंने इसके अंदर डाल दी है और अब हम 2 से 3 मिनट के लिए इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे कि अदरक की जो सौंधी सौंधी प्यारी प्यारी खुशबू है ना, वो हमारे पूरे किचन में और पूरे घर में फैल जाए। मुझे अदरक बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे खानों में अदरक की खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं जो भी खाना पकाऊँ ना उसमें मैं अदरक लाजमी ऐड करूँ। तकरीबन 3 मिनट भुनाई के बाद मैंने ले ली हैं जी शिमला मिर्चें, और ये 2 छोटी शिमला मिर्चें हैं, ठीक है। इनको आपने इसी कट में काटना है जिस तरह से मैंने काटा हुआ है, अच्छी तरह से धो लेना है, वॉश कर लेना है, और इस टाइम पर आकर हमने ऐड कर देनी है इसमें शिमला मिर्च। और अभी हम इसको 2 मिनट के लिए इसी तरह फ्राई कर लेंगे। हाय मेरा दिल चुरा के ले गया, चुराने वाला मेरा कातिल,
हाय मेरा दिल चुरा के ले गई, चुराने वाली मेरी कातिल। दो से तीन मिनट हो चुके हैं फ्राई करते हुए, और साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देंगे बोनलेस जो हमने मैरिनेट करके फ्रिज में रखा हुआ था। यहाँ पर मुकद्दस मैदानी जंग में उतर चुकी है मेरी हेल्प करने के लिए, और ये सारे का सारा बोनलेस हमने डाल दिया है इसमें। बस अब इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ मिक्स बुक्स करना है। मिक्स बुक्स कर लें अच्छी तरह से, ऊपर नीचे आगे पीछे। और आज मैं किसी और ही मूड में बैठी हुई हूँ यार, असल में मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार है और आज मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। लेकिन फिर मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो नाराज़ हो जाते हैं कि मैं इतने इतने दिनों बाद वीडियो पोस्ट करती हूँ। सो मैंने सोचा कुछ भी हो जाए, मेरे मुंह में जो आ रहा है मैंने आज बोलना है, मैंने गाने गाने हैं, मैंने अजीब और गरीब बातें करनी है, लेकिन वीडियो ज़रूर पोस्ट करनी है। तो बस जैसा भी है, अगर आप लोगों को थोड़ी अच्छी लगती है, थोड़ी डिफरेंट लगती है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी बोनलेस हांडी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है, ठीक है? और फिर मुझे आपने बताना भी है, फीडबैक भी देना है। हमने सारा चिकन इसमें ऐड कर दिया है, बस हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हमने कुछ नहीं करना, हमने इसको ढक देना है पूरे 20 मिनट के लिए, और फ्लेम हमने बिल्कुल स्लो कर देना है। मीडियम भी नहीं रखना, स्लो करना है, क्योंकि हम इसमें कोई पानी ऐड नहीं कर रहे, हमने चिकन को अच्छी तरह से गलाना है। इसलिए मैंने आपको कहा चिकन के पीसीज आपने बिल्कुल छोटे छोटे रखने हैं, बड़े रखेंगे तो वो गलेंगे नहीं, और फिर आपको गलाने के लिए पाउडर ऐड करना पड़ेगा। और पूरे 20 मिनट के बाद मैं आ गई हूँ वापस, और 20 मिनट आपको लगता होगा कि जैसे बस मैं ऐसे गई और ऐसे आ गई, लेकिन ऐसे नहीं है। इस पूरे 20 मिनट को भी मैंने अच्छी तरह से अवेल किया, अपने बेटे का फीवर चेक किया है, उसको सारी मेडिसन्स दी हैं, साथ में उसको नेबुलाइज भी किया है। और 20 मिनट के बाद मैं आ गई हूँ वापस, मैंने लिड हटाई है और चिकन को अब पहले चेक कर लेते हैं। मेरे हिसाब से जितना मैंने चिकन का पीस रखा था उसको बिल्कुल गल चुका होना चाहिए, तो मैं पहले इसको चेक कर लेती हूँ कि ये गला है या मुझे इसको मज़ीद अभी कवर करना पड़ेगा। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। और चिकन हमारा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गल चुका है, बस पानी थोड़ा सा है अभी इसमें, उसको मैं ड्राई कर लूँगी। याद रखना है कि फुल पानी ड्राई नहीं करना, जैसे ही आप फुल पानी ड्राई कर लेंगे बस आपकी बोनलेस हांडी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा सा इसको इसी तरह से रहने देना है जैसे अभी आपको नज़र आ रहा है। अब इस स्टेज पर आकर मैं इसमें बटर ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मेरे पास नूरपुर बटर है, आपके पास कोई भी बटर हो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन सॉल्टेड बटर होना चाहिए, ठीक है? उसका फ्लेवर कुछ फिर अलग से आता है और अनसॉल्टेड का थोड़ा सा डिफरेंट आता है, आपने सॉल्टेड बटर ऐड करना है। यहाँ पर मैंने इसमें बटर थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है क्योंकि मेरे हस्बैंड को बटर ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने ऑयल थोड़ा कम रखा है, बटर को मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर रही हूँ, ठीक है? तो मैंने इसमें बटर ऐड कर दिया है, अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने, बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने, नशा चढ़ा जो फकीरी का उतार फेंका है, बेशरम रंग कहाँ देखा। एक मिनट रुक जाते हैं यहाँ पर। और बटर को ऐड करने के बाद मैंने हार्डली 2 मिनट के लिए इसको ऊपर नीचे किया था, और उसके बाद इस स्टेज पर मैंने डाल दी है इसमें क्रीम। ऑलपर्स की क्रीम मैंने ली है, आपके पास मिल्क पैक की हो, नूरपुर की हो, किसी की भी हो, आपने इसमें क्रीम डाल देनी है। और क्रीम अच्छी तरह से डालने के बाद इसको कर लेना है मिक्स। फ्लेम आपने हाई नहीं रखना, वरना जो बोनलेस के अंदर जो ग्रेवी होती है ना वो ड्राई होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है? तो फ्लेम को आपने थोड़ा लाइट ही रखना है। तो मैं यहाँ पर इसको कर रही हूँ अच्छी तरह से मिक्स। और कौन कौन लोग हैं जिन्होंने पठान मूवी देख ली है यार, शाहरुख खान है, वैसे शाहरुख खान की कोई भी मूवी आ जाए ना मैं देखती ज़रूर हूँ, लेकिन अभी तक मैंने देखी नहीं है। मैंने उसके रिव्यूज़ सुने हैं तो तकरीबन सभी लोग ये कह रहे हैं कि बहुत ही बकवास मूवी है, लेकिन अब देखनी तो पड़ेगी, देखूँगी। अच्छा वैसे मेरा मूवी देखने का क्राइटेरिया पता है क्या होता है, मैं मूवी लगाती हूँ चाहे वो किसी भी एक्टर की हो, मैं मूवी लगाती हूँ, अगर पहले 20 मिनट के अंदर मुझे लगे कि मूवी इंटरेस्टिंग है तो मैं कंटिन्यू करती हूँ, अदरवाइज़ फिर मैं मूवी नहीं देखती। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, मुझे आर्ट मूवीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आर्ट मूवीज़ मैं बहुत ज़्यादा शौक से देखती हूँ, और आर्ट मूवी जितनी भी आर्ट हो ना, मतलब जितनी भी बोर हो, मैं आराम से देख लेती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं होता।
अच्छा, तो क्रीम डालने के बाद मैंने हार्डली 2 से 3 मिनट उसको पकाया होगा, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर दिया है। बोनलेस में वैसे हरा धनिया डालते नहीं हैं, लेकिन ये मैंने ख़ुद से ऐड किया है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है हरा धनिया। तो हरा धनिया डाल के हमने इसको कर लिया है मिक्स। बस 2 मिनट और पकाना है, फ्लेम हमने बिल्कुल लाइट रखना है और इसको बिल्कुल कवर नहीं करना। बोनलेस हमारी हांडी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और इस स्टेज पर आकर आपने चूल्हा कर देना है बंद, और फिर बारी आ जाती है कि आप इसको डिश आउट करें, अपने मेहमानों को खिलाएं, घर वालों को खिलाएं, ससुर को खिलाएं, सास को खिलाएं और दाद वसूल करें। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रहन सारी तेरी खैर मनाऊं। और यहाँ पर मैं डिश आउट कर रही हूँ अपनी बोनलेस वाइट हांडी, और यार क्या मज़ेदार बनी थी, क्या मज़ेदार बनी थी। यकीन नहीं आ रहा ना, तो ख़ुद बनाइएगा, खाइएगा, सबको खिलाइएगा, और फिर कमेंट में आकर अपना फ़ीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा मुझे। मैं इंतज़ार करूँगी आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स का। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग, अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। मेरे बेटे के लिए, उसकी सेहत के लिए प्लीज़ दुआ ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा जी, आइंदा भी इसी तरह के अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप लोगों को मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।